हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। एंथैल्पी इज एन एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट हियर विल बी, इट इज इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो अगर हम बात करें इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की, सो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो कि डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट और मास ऑफ अ सब्सटेंस, अमाउंट और मास ऑफ अ सब्सटेंस। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो अमाउंट और मास ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती हैं। वेयर एज जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं, दे डिपेंड ऑन अमाउंट और मास ऑफ अ सब्सटेंस। तो अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इज एंथैल्पी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो अगर हम बात करें एंथैल्पी की, तो एंथैल्पी इसको हम डिनोट करते हैं बाय डेल्टा एच। डेल्टा एच दैट मीन्स एंथैल्पी, ये क्या डिनोट करता है, इट डिस्क्राइब्स अमाउंट ऑफ चेंज इन एनर्जी इन अ सिस्टम। तो ये चेंज इन एनर्जी की अमाउंट को डिस्क्राइब करता है। सो जो डेल्टा एच होता है, इट डज डिपेंड ऑन अमाउंट और मास ऑफ अ सब्सटेंस। दैट इज व्हाई ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एंथैल्पी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ऑल द बेस्ट।